हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों के भाई बहुत सारे कमेंट आ गए थे कि भाई इस साल जो है भोपाल इस्तीमा मार्केट नहीं लगा है क्या, तूने वीडियो नहीं बनाया। तो मैं आपको बता दूं, हर साल जो इस्तीमा लगता था वो लगता था लगभग नवंबर 15 से 20 22 की रेंज में, लेकिन इस बार जो इस्तीमा है इसकी तारीखें काफ़ी आगे हैं, लगभग दिसंबर के अराउंड। लेकिन जो चार दिनों की नवाज और दुआ होती है उस टाइम पर, जो चार दिनों का स्पेशल इस्तीमा लगता है, तो वो लगता है ईंटखेड़ी में। तो अभी मैं आपको वो एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा वहाँ पे कैसी क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, और वहाँ पे जो है इस्तीमा चार दिनों का जो लगेगा वो कौन सी तारीखों में लगेगा, वो भी मैं आपको वहाँ पे पता करके बता दूंगा। लेकिन जो दूसरी बात आपकी होती है कि भाई भोपाल में रॉयल मार्केट हमीदिया के सामने जो इस्तीमा लगता है वो जो शॉपिंग के लिए चाहिए, स्वेटर कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, वो कब लगेगा, तो वो जैसे ही लगता है पहले यहाँ पे चार दिनों का स्पेशल इस्तीमा लगेगा, उसके बाद रॉयल मार्केट पे जाता है। तो पहले मैं यहाँ चार दिनों का जो लगेगा वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद रॉयल मार्केट का जिस दिन लगेगा उस दिन पहले दिन ही वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। और अभी भाई मैं अपने घर से निकला हूँ और ये भोपाल ब्यावरा हाईवे है, तो भोपाल ब्यावरा हाईवे से मैं बीच से जा रहा हूँ। अगर आप भोपाल नरसिंहगढ़ कुरावर शामपुर से जा सकते हैं तो ये वाला रूट जो मैं बता रहा हूँ ये फॉलो कर सकते हैं आप। आप शांतिनगर बाईपास से जो है लेफ्ट हैंड की तरफ पे जो सागर हाईवे है उसे पकड़ लेंगे और उस हाईवे से आप सीधे सीधे चले जाएंगे ईंटखेड़ी। तो चलिए अभी मैं आपको आगे पूरा रास्ता भी दिखा दूंगा। और यहाँ है अमन हॉस्पिटल, तो यहाँ से हम लोग जो है भोपाल ब्यावरा वाला हाईवे छोड़ देंगे और नीचे की तरफ हम चलेंगे। तो यहाँ से नीचे की तरफ मैं जाऊँगा और यहाँ पे शांतिनगर बाईपास इस जगह को बोलते हैं, तो शांतिनगर बाईपास की यहाँ से मैं जाऊँगा ईंटखेड़ी की तरफ। आप किसी से भी पूछ सकते हैं तो वहाँ से आपको दिखा देंगे। वैसे अगर आप जा रहे हैं इधर से तो आप लेफ्ट टर्न लेंगे इस तरफ, तो आप जो है इस्तीमा का जो ईंटखेड़ी है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अभी मैं निकला हूँ और यहाँ पे जो इस्तीमा है वो सिर्फ चार ही दिन लगेगा, उसके बाद जो इस्तीमा का जो पूरा का पूरा मार्केट जो होता है, कपड़े स्वेटर वगैरह आपको लेने हैं तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बाकी अभी जो नया इस्तीमा मार्केट जिस दिन खुलेगा उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। अभी जो चार दिन के लिए स्पेशल लगता है इस्तीमा मार्केट वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने रोड को छोड़ दिया है, ये ब्यावरा साइड से मैं आ रहा था, नरसिंहगढ़ ब्यावरा की तरफ से, और यहाँ से हवाई अड्डा सिर्फ 3 किलोमीटर आ गया है, ये देख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ से रोड को छोड़ के अब दूसरा रोड पकड़ रहा हूँ और ये रोड होता है जबलपुर इंदौर हाईवे। तो अभी मैं जा रहा हूँ उस तरफ और आपको आगे का भी पूरा व्यू दिखा देता हूँ। तो अब जैसे ही आप सागर हाईवे पे थोड़ा ही आगे आएंगे, लगभग 10 किलोमीटर, तो यहाँ से आपको बेरसिया रोड मिल जाएगा लेफ्ट हैंड की तरफ। तो हम फिर से लेफ्ट की तरफ जाएंगे जहाँ पे आपको फेमस चौरसिया ढाबा भी मिल जाने वाला है। तो अगर आपको नाश्ता करना है, खाना पीना है, लंच डिनर करना है, तो आप यहाँ से करके फिर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अभी मैं जाऊँगा आगे की तरफ यहाँ से ईंटखेड़ी की तरफ। और ये वाला जो हाईवे है ये वही हाईवे है, ये सागर और जबलपुर हाईवे है। तो अभी मैं यहाँ से निकल जाता हूँ ईंटखेड़ी की तरफ, तो चलिए चलते हैं। तो अभी आप देखेंगे मैं पहुंच चुका हूं इस्तीमा का घासीपुरा ईंटखेड़ी। तो यहां पे जो है टेंट वगैरह लग गए हैं, सारी व्यवस्थाएं इधर चल रही हैं। तो अभी मैं आपको अंदर जाके यहां का पूरा दिखा देने वाला हूं कि आखिर कैसा क्या यहां पे चल रहा है, किस तरह से काम चल रहा है और तारीखें क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर पूछ कर बता देता हूँ। और ये जो बाजू में आप खेत देख रहे हैं, ये सारी जगहों पर जो है पार्किंग की सुविधा रखी गई है, तो गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी पूरे एरिया में, तो ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। किस तरह से जो है चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ से अभी आप लोग जैसे ही जाएंगे तो इस तरह से पूरी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, ये अलग काम चल रहा है, बाकी इस्तीमे का जो काम चल रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ पे ये सेट वगैरह लगे हुए हैं, ये सारे इस्तीमा का काम चल रहा है। इस तरफ भी, इस तरफ ये इस्तीमा का काम चल रहा है, तो पूरा भी आगे चल के देखते हैं। और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको सारी कवर करके बताऊंगा। यहाँ पे भी पूरा इस्तीमा का जो है काम चल रहा है इस तरफ भी। और जो लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई इस्तीमा में जो है यहाँ पे भी
जो है ख़रीदारी के लिए आ सकते हैं क्या? मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिर्फ 4 दिन का इस्तीमा होता है, किसी साल तो 3 दिन का भी रहता है, किसी साल 4 दिन का भी रहता है। तो यहाँ पे जो है इस साल 4 दिन का इस्तीमा रहने वाला है। तो 4 दिन जो यहाँ पे होते हैं वो शॉपिंग के लिए तो मैं मना ही करूँगा। अगर आपको ख़रीदारी करनी है तो आप जो है जाएंगे उस तरफ, हमीदिया वाले इस्तीमा जो मार्केट लगता है उसमें जाएंगे। यहाँ पे जो है वो मार्केट नहीं होता। ये छोटू आ रहा है, इससे पूछते हैं ज़रा। क्यों भाई, बढ़िया काम चल रहा है इधर इस्तीमे का? हो गया लगभग, कितनी तारीख से है ये? फिक्स तारीख नहीं पता तुम्हें? जी। कोई मिलेगा कोई आगे जो बता दे, कोई बड़ा इंसान मिलेगा? ये अच्छा, इनसे तो अभी व्यवस्था बढ़िया चल रही है, काम वाम में कोई रुकावट कुछ नहीं, सब अच्छा है ना? चलिए ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो है पूरा ये कैंप वगैरह लगे हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोकेश है, LP ब्लॉग्स नाम से चैनल है मेरा, यूट्यूब पर आप दिखेंगे। तो ये यहाँ पे चाची आ रही हैं, जरा इनसे देखते हैं पूछते हैं। नमस्ते चाची, ये इस्तीमा की तारीखें क्या आई हैं इस साल की? तारीखें क्या हैं जो 4 दिन इस्तीमा की तारीख है? ठीक ठीक, चलो भैया आगे पूछते हैं, इनको भी नहीं पता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जी। ये देखो भाई, ये पूरा का पूरा टेंट लगा हुआ है, यहाँ हर शहर से जो है लोग आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो है दुबई से कुछ शेख वगैरह भी आते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे उस हिसाब से इन्हें व्यवस्था बना के रखनी पड़ती है। तो चलो देखते हैं अभी। ये बहुत बड़ा मैदान है, एकदम बहुत लमसम बड़ा मैदान है ये। तो अभी ये चाचा जा रहे हैं, देखते हैं इनसे पूछते हैं, अगर ये बताएंगे तो ठीक है। नमस्ते चाचा, ये इस्तीमा कितनी तारीख से शुरू हो जाएगा? अच्छा, जुमा शनिचर इतवार पीर 29 तारीख से है। 29, 30, 1 और 2 दो को दुआ है। अच्छा ठीक है चाचा, धन्यवाद। और यहाँ पे काम वगैरह अभी हो गया सब कंप्लीट? काम तो हो गया लगभग, है ना? ठीक है चाचा, ठीक है। तो ये जो तारीख थी वो मैंने आपको बता दी, 29, 30, 1 और 2 को यहाँ पे इस्तीमा लगने वाला है। तो यहाँ पे सिर्फ 4 दिन का जो स्पेशल इस्तीमा होता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो दुआ होती है वो यहाँ होती है। उसके अलावा जो लोग मार्केट का पूछते हैं, तो मार्केट भाई हमीदिया पे लगता है, तो आप वहाँ से जो है स्वेटर कपड़े वगैरह ले सकते हैं।